मध्य प्रदेश अपने आप में वो प्रयोगशाला, और खासतौर पर अब तो भोपाल का जिक्र करना होगा जहां पर चरम पंथ वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व की लड़ाई हम मैदान में देख रहे हैं। बिल्कुल सही, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इस बार के ही चुनाव में देखा गया कि वहां पर सॉफ्ट हिंदुत्व एजेंडा नहीं था कांग्रेस का, वहां किसान, नौजवान ये इशू थे, लेकिन मध्य प्रदेश में पूरी तरह कमलनाथ जी की अगुवाई वाला जो चुनाव था, हालांकि कमलनाथ का नाम समय तक नहीं घोषित था, लेकिन अध्यक्ष थे ज्योतिराज सिंधिया थे, राहुल गांधी भी जब जब मध्य प्रदेश गए तो सॉफ्ट हिंदुत्व के तमाम प्रतीकों का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार ये चुनाव जो हो रहा है, दिग्विजय सिंह एक तरफ हैं और ये क्या नाम इनका है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक तरफ हैं। अब इसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जो नामजदगी हुई है उम्मीदवार के तौर पे, वो बड़ा चकित करने वाली है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि दिग्विजय सिंह जैसा ठेठ राजनेता के खिलाफ शायद शिवराज सिंह चौहान को उतारा जाए या गौर साहब को उतारा जाए या बीजेपी अपने किसी ऐसे नेता को उतारेगी जो मजा हुआ सियासतदान है, और ज्यादा अनुभव, लेकिन इन्होंने उतार दिया प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। प्रज्ञा सिंह ठाकुर न केवल आपराधिक छवि की है बल्कि आतंकवाद जैसी बड़ी आपराधिक हिंसा में वो लिप्त एक अभियुक्त है। तो ऐसे दौर में जबकि उनके ऊपर इतने बड़े इल्जाम हैं और बड़े ठोस प्रमाण हैं उनके खिलाफ, तो अच्छा उन्होंने आते ही तीन बात कही। पहली बात उन्होंने कही कि ये धर्म युद्ध है ये चुनाव, तो ये एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा वायलेशन है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हेमंत करकरे मेरे श्राप से मरे, ये एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सियल बात कही। और तीसरी बात जो उन्होंने कह दी वो बड़ी अजीब थी कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस में मैं गई थी और मैं उसके गुंबद पर ये लेकर गई कोई हथियार या कोई इस तरह की चीज, ये उन्होंने कह दी। तो मुझे लगता है जिस तरह से कंट्रोवर्सी उन्होंने पैदा की है, जो अभी बातचीत में हम लोग बात कर रहे थे संजय जी से बीच में, तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह की एक्सट्रीम पोजीशन जो लेकर आते हैं लोग, उनके खिलाफ रिएक्शन भी काफी होता है। हालांकि आपका ये कहना सही है कि चूंकि वो एक हिंदुत्व वाला माहौल मध्य प्रदेश में लंबे समय तक रहा है, अब देखना ये होगा कि कांग्रेस उस माहौल को इस दरमियान जब से उसकी सरकार है कितना काट पाई है या क्या आगे करेगी। तो ये तमाम वो सवाल हैं जिन पर निगाहें टिकी रहेंगी। आशुतोष जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास, एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है, लेकिन भोपाल की ये लड़ाई इस बार साख की लड़ाई है, इम्तिहान की लड़ाई है, और बहुत कुछ यहाँ से आगे एक संदेश के तौर पर जाने वाला है, इसीलिए भोपाल इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, लेकिन हम फौरन लौट रहे हैं। हमारा कवरेज तमाम सीटों पर लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।